हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा, और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों और बहनों नमस्कार, मैं गीता जोशी मेडिकल विभाग से LHV के पद पर 35 वर्ष से कार्य कर रही हूँ और फ्रंट लाइन पर कार्य कर रहे मेडिकल विभाग से, इसलिए मैं आपको एक ये छोटी सी ट्रिक बताना चाह रही हूँ, जो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो सभी बीमारियों से दूर रहोगे। एक छोटी सी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ मैं हैंड वॉश के लिए, हाथ साफ करने के, तो इसका नाम है सुमन के। शॉर्ट में बोलने के लिए सुमन के, सुमन के कम एस का मतलब है सीधा, यू का उल्टा, एम का मुट्ठी, ए का अंगूठा और एन का नाखून और के का कलर। इतनी शॉर्ट स्ट्रिक है जो आप आराम से कर सकते हैं। एस का मतलब सीधे, ये हाथ दोनों लिए सीधे और इसको ऐसे धोना सीधे, इसके बाद आप उल्टे ऐसे धोइए और मुट्ठी में आप ऐसे धोइए, मुट्ठी को अच्छा तरह से धोइए, अंगूठा ऐसे अंगूठा धोइए, नाखून का इस तरह से धोइए, कलाई का ये कलाई पूरी यहाँ से लिए ये पूरा धोना, इस तरह से आप 20 सेकंड तक ये प्रोसेस करिए और हाथ धोइए। इसके बाद अपन को खाना वगैरह जो भी खाना है इसके बाद खाना है, तो सुमन के आपको याद रखना है हमेशा, जब भी आप हाथ धोने के लिए जाओ सुमन के को बिल्कुल आपको रट कर याद रखना है। इस तरह से अगर आप करोगे तो हाथ के अंदर ये अपने हाथ सब जगह छूते हैं अपन, उसमें कीटाणु वायरस लग जाते हैं, तो हाथ को धोने की ट्रिक अगर आपको याद हो जाएगी तो आपके सभी बीमारियों से आप दूर रहोगे। और 20 सेकंड का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि आप गए नल के नीचे और ऐसे धोया और चले गए, ये इससे आपके सभी वायरस और कीटाणु मुँह के अंदर जाएंगे और 100 बीमारियाँ पैदा करेंगे। तो सुमन के बहुत इम्पोर्टेंट ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये बिल्कुल, तो आप आराम से इस तरह से हाथ धोएं 20 सेकंड तक, तो आप सभी कीटाणुओं वायरसों से बच सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है। कई लोग क्या करते हैं, आए पानी लिया और ऐसे धो के एक सेकंड में अंदर चले जाते हैं, इससे क्या है कोई भी कीटाणु वायरस वगैरह सही साफ होता नहीं है और आप उन सभी वायरसों को मुँह के अंदर डाल देते हो, तो ये बीमारी होने का खतरा रहता है। इसमें इस तरह से अगर आप 20 सेकंड तक हाथ धोगे आपके हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे और सभी वायरस ख़त्म हो जाएंगे। इससे अपन को कोरोना से भी बच सकते हैं और अन्य कोई बीमारी से भी बच सकते हैं, इसलिए हमेशा इस तरह से हाथ धोने हैं अपन को। और एक और मैं बताती हूँ, मास्क हमेशा घर से बाहर निकलो मास्क जरूर पहनो और 2 गज की दूरी हमेशा रखनी है, जहाँ कहीं भी आप खड़े हो अपने से दूसरा व्यक्ति 2 गज दूर होना चाहिए। तो आप इन सब गाइडलाइन का पालन करोगे तो कोरोना से बच सकते हैं। और डबल मास्क भी लगा सकते हो, अगर अपन को खतरा जैसा लग रहा है डबल मास्क लगाओ, और अपने अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जांच कराएं और नियमित दवाइयां लेते रहें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल से संपर्क करें। और एक प्रोनिंग का भी प्रोसेस है, उल्टे सो के 3 तकिए लगा दो, एक सिर के नीचे, 2 अपने पेट के नीचे, एक पैर के नीचे, इस तरह से उल्टा सो के आप लंबी लंबी सांसें लोगे तो भी आपको ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। जो भी मेरी जानकारी में है मैं आपको बता रही हूँ, इसका प्रयोग अगर आप करोगे तो
कोरोना से जीत सकते हो। और ऑक्सीजन लेवल करीबन आपका 95 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर 95 से नीचे है तो अपन को हॉस्पिटल जाना चाहिए। जैसे कोरोना में आप पॉजिटिव आ गए तो आप क्या है, घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, घबराना जरा भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल ही रहना है। पॉजिटिव आने से कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको सबसे पहले अपन को खुद को आइसोलेट कर लेना है, अलग कर लेना है, घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना है आपको। एक रूम कोई भी अलग हो उसमें आप बंद रहो, खिड़कियाँ खुली रखो, लेकिन जिस तरफ से अपने घर का दरवाज़ा जा रहा है उसको बंद रखो, ताकि खिड़की से आपको ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहे। आप करीबन 14 दिन तो आपको अलग ही रहना है सभी लोगों से। इसके बाद आप क्या, जो पॉजिटिव आए हो नेगेटिव भी हो जाओगे। तो कई लोग क्या, नेगेटिव होने के बाद यूँ सोचते हैं कि बस अब मैं तो, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बिना मास्क लगाए घूमते रहते हैं। इस तरह से नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव आ गए हो फिर भी आपको मास्क लगाना, क्योंकि 14 दिन के बाद ही वो वायरस अपने शरीर से बाहर निकल के दूसरों के अंदर जाता है। इस तरह से आप अपन को भी बचाओ, खुद को और दूसरों को भी बचाना चाहिए। इसमें 14 दिन के अंदर आपको क्या करना है, गर्म पानी पीना है, गुनगुना गर्म पानी जैसे आप पी सकते हो, और काढ़ा बना के पियो, अदरक नींबू और दालचीनी मुलेठी वगैरह सब डाल के काढ़ा पीना चाहिए। इसके बाद आपको जो दवाइयाँ दी है वो आपको खानी है, और बिल्कुल अपने घर के सदस्यों से अलग रहना है। ये अगर ध्यान रख लोगे तो दूसरों को भी आप बचा लोगे। इस तरह से आप बिना चिंता, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहना, खाना पीना मस्त रहना, और दूसरों लोगों को भी स्वस्थ रखना, अपन को खुद को भी स्वस्थ रखना। कोरोना को अपन हरा सकते हैं, उससे अपन जीत सकते हैं, लेकिन इन सब मैंने जो आपको बताया इतना आप कर लोगे तो दूसरों लोगों को भी बचा सकोगे, अपने आप को भी बचा सकोगे। इस तरह से आप करिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई टेंशन नहीं है, और आपको जरा भी इसमें घबराना नहीं है। कोरोना कोरोना करके लोग डर रहे, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं है समस्या वाली बात। अपन को गाइडलाइन की पालना करते हुए, अलग रहते हुए सभी ये पालन कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को हम फैला नहीं सके। एक बात और बताना चाह रही हूँ मैं आपको, कि हमारा मेडिकल विभाग करीब 1.5 साल से इसमें लगा हुआ है और फ्रंट लाइन में आकर आगे से कार्य कर रहा है। इसमें सर्वे देख लो, इसमें टीकाकरण देख लो, सभी हाउस टू हाउस विजिट देख लो, हमारा विभाग लगा हुआ है। इसके बाद पुलिस विभाग है, अन्य दूसरे विभाग, शिक्षक विभाग है, आंगनवाड़ी है, मतलब बैंक कर्मचारी, सभी विभाग इसमें लगे हुए हैं। लेकिन आप लोगों का साथ हमको चाहिए। अगर आप इसमें साथ होंगे, सब मिलकर कार्य करेंगे, तो इसमें अपन जीत सकेंगे। इसी प्रकार आप सभी कर्मचारियों का साथ दें और अपना वैक्सीन भी लगवाएं, और आगे आके आप लोगों को समझाएं कि इस तरह से अपन को गाइडलाइन का पालन करना है। हमारा विभाग जो कार्य कर रहा है, मैं खुद कर रही हूँ, 35 साल से सेवाएं दे रही हूँ मेडिकल विभाग में। अभी 1.5 साल से जो फ्रंट लाइन में हम कार्य कर रहे हैं, हमारा विभाग कार्य कर रहा है, हमारी बहनें कर रही है, इसमें हमारे कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन वो भी अपनी गाइडलाइन के आधार पे और दवाइयों के आधार पे वापस स्वस्थ होकर वापस अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, इसी तरह आप लोगों को भी अपना कार्य करना है। जैसे कई लोग क्या है, सर्दी जुकाम को मामूली टाइफाइड और ये ऐसे समझकर वायरल फीवर ऐसा करके घूमते रहते, ऐसा काम नहीं करना। कोई भी बुखार सर्दी जुकाम अभी इस टाइम में कोरोना ही समझें, और अपने आप को आइसोलेट कर दें और दवाइयों का उपयोग करें, आपको कुछ नहीं होगा। 90% लोग कवर हो जाते हैं,
इसमें सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही की वजह से वो सीरियस हो जाते हैं और उनको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की ज़रूरत हो जाती है। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, 90% लोग वैसे भी सुधर रहे हैं और अपन को सावधानी जरूर रखनी है। इसके अलावा आपको सभी कर्मचारियों को साथ देना है और सभी को मिलकर इसको हराना है। ज़रूर जंग जीतोगे आप, ये मेरा वादा है। और आप घबराए नहीं, चिंता ना करें, सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे और डॉक्टर से परामर्श जरूर लेवें। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप अपने हिसाब से दवाइयाँ ना लें और डॉक्टर की परामर्श से दवाइयाँ लेते रहें और अपने घर में सुरक्षित रहें। जहाँ काम हो वहीं बाहर निकले, बाकी अपने घर में ही रहे, सुरक्षित रहे। जैसे कई लोग क्या है, पॉजिटिव लोगों को देखकर इस तरह से मानते हैं कि ओ ये पॉजिटिव है, उसको मतलब नेगलेक्ट करते हैं। ये मतलब सोच नहीं रखनी चाहिए। पॉजिटिव है उसको और आप हिम्मत दीजिए ताकि क्या वो जल्दी सुधर जाए। यहाँ कई लोग क्या है, पॉजिटिव है उसको नेगलेक्ट करते हैं और उसको खराब नज़र से देखते हैं। इसमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको और पॉजिटिव, उसको और अपने को समझाना है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो 14 दिन आप अलग रहो, आराम से दवाइयाँ लो, मस्त रहो, खाओ पियो, ठीक हो जाओगे। इस तरह से उसको समझाना है ताकि क्या वो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। 14 दिन आपको जो मिल रहे हैं उसमें योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज वगैरह छोटी मोटी करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, ताकि इससे आपका ऑक्सीजन लेवल सही बना रहे। योग में अनुलोम विलोम, कपालभाती, श्वास प्रश्वास, लंबे श्वास खींचना, इस तरह से ये एक्सरसाइज और प्राणायाम करते रहें। ये बहुत ही उपयोगी है। दवाइयों के साथ ये भी करना ज़रूरी है ताकि कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। तो आप सब लोगों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हो रहे, स्वस्थ हो जाए और ऑक्सीजन और आइसोलेशन का बराबर ध्यान रखें ताकि अपन को हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, घर पे ही अपन सुरक्षित और स्वस्थ हो सकते हैं। और आप घबराएं नहीं, अपन सब मिलकर इस कोरोना रूपी राक्षस को जल्द से जल्द भगाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब एकजुट हो जाएं और जिस तरह से गाइडलाइन बताई जाए उस आधार पर आप चलते रहें और स्वस्थ हो जाओगे आप, टेंशन ना करें। चलो भाइयों बहनों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।